लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तो लोग इनके लिए अनाज लेकर आ रहे हैं, पैसे लेकर आ रहे हैं। और ये देखिए, आप कह सकते हैं कि झोली फैलाकर ये लोगों से अनाज ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और लोगों से आशीर्वाद। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले बार जब आप चुनाव की तैयारी कर रहे थे, काफ़ी उम्मीद था आपको कि राजद से टिकट मिलेगा, लेकिन इन वक्त पे राजद ने आपका टिकट काट दिया। और इस बार भी लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी जो पत्नी है साइका नाथ जी वो राजद में है, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, हालांकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, तो इस बार क्या आपने क्या, यानी इससे पहले जो विधायक थे लोग कहते थे कि बाहरी विधायक हैं, तो आपको भी लगता है कि उसका नुकसान हुआ है बाहरी विधायक होने का और आप आते हैं तो नुकसान ही नुकसान हुआ है। जैसे कही जाती है बात की टोटल समय पानी में चला गया, तो इस बार की टोटल विधायकी का अब तक का 4 वर्ष हमारे भड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के पूरे जनता के लिए ये 4 वर्ष पानी में चला, एक पीने वाले हैं एक पिलाने वाले हैं, इन्हीं दोनों में से किसी को चुननी है तो मजबूरी थी। और हम वो अपनी स्पर्धा लोगों के बीच में छोड़ नहीं पाए थे क्योंकि बहुत कम समय मिला था हमको चुनाव लड़ने के लिए। और इस बार तो लगातार आप घूम रहे हैं, इस बार हम सबको बता चुके हैं और अब वैसी बात नहीं आएगी कि किसको चुने, अब सबको साइड कर दिया जाएगा, अब लोग यही सोचेगा कि उसको चुने जो हमारे बीच का रहने, मानवता की सेवा होती है, मेरे पास मानवता की जाती है। डॉक्टर तो सामने आने वाले हर व्यक्ति का सिर्फ रोग सुनता है, सिम्टम सुनता है, वो तो ये नहीं सुनता है। बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से, सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। नमस्कार, भड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में है और आप बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर अशरफ अली हैं। आप बता दें कि पेशे से तो डॉक्टर हैं लेकिन काम करने की ललक और लालसा ऐसी है कि अभी चुनाव में लगभग 6-7 महीने बाकी हैं, बावजूद इसके लगातार जनता के बीच हैं, जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोग जब ये घर घर लोगों के बीच पहुँच रहे हैं तो लोग अनाज दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, यानी इस बार जो इनका चुनाव मन लड़ने का जो मन है वो जनता के आशीर्वाद से, इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा की इन्होंने शुरुआत की है। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जनता के बीच लगातार जा रहे हैं और जब लोग अनाज और पैसे दे रहे हैं तो कैसा लग रहा है, बताइए डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। देखिए जी, आपके न्यूज इंडिया तक में आपका भी स्वागत और सभी दर्शक और श्रोतागण का भी स्वागत है। बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैंने जो 18-20 वर्षों में सेवा दिया है अपने भड़हरिया विधानसभा में, उस सभी सेवा को एक साथ समेट कर लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, उतना ही प्रेम, उतना ही प्यार और वही स्नेह भी मिल रहा है तो हमें हर जगह खुशी ही खुशी मिल रही है। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी मतदातागण हैं अब वो लोग ये मन बना चुके हैं कि डॉक्टर साहब चाहे किसी भी पार्टी से हैं। देखिए पार्टी का ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए लोग जब ये लोग बीच पहुंच रहे हैं तो लोग इनके लिए अनाज लेकर आ रहे हैं, पैसे लेकर आ रहे हैं। और ये देखिए, आप कह सकते हैं कि झोली फैलाकर ये लोगों से अनाज ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और लोगों से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। जी बताइए क्या कह रहे थे। यही कह रहे थे कि जनता की हमें बहुत स्नेह और प्रेम मिल रहा है और इससे बहुत खुशियां मिल रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले बार जब आप चुनाव की तैयारी कर रहे थे काफ़ी उम्मीद था आपको कि राजद से टिकट मिलेगा, लेकिन इन वक्त पे राजद ने आपका टिकट काट दिया। और इस बार भी लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी जो पत्नी है साइका नाथ जी वो राजद में है, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, हालांकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, तो इस बार क्या आपने क्या मन बनाया, क्या अगर इस बार भी राजद टिकट काट देगी तब आप क्या करेंगे? देखिए राजद टिकट काट देगी, हमेशा बोले कि समय के अनुसार बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, हम लोग नाउम्मीदी नहीं रखते हैं, लेकिन हमारा सोच ये है कि अगर हम जनता के बीच में है, जनता हमें स्नेह प्रेम देती है तो हमें टिकट भी बहुत आसानी से मिलेगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अच्छा लगातार एक चीज हम देख रहे हैं, कमेंट में पढ़ते हैं, जब इस तरह के वीडियो आप डालते हैं तो हम लोग कॉमेंट देखते रहते हैं, जो भड़हरिया के लोग हैं वे अब ये कहने लगे हैं कि आपके अंदर चूंकि आप लोग लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग मन में अभी आने लगा है बात कि आप भड़हरिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, यानी इससे पहले जो विधायक थे लोग कहते थे कि बाहरी विधायक हैं, तो आपको भी लगता है कि उसका नुकसान हुआ है बाहरी विधायक होने का और आप आते हैं तो नुकसान ही नुकसान हुआ है। जैसे कही जाती है बात की टोटल समय पानी में चला गया, तो इस बार की टोटल विधायकी का अब तक का 4 वर्ष हमारे भड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के पूरे जनता के लिए
ये 4 वर्ष पानी में चला गया है, कोई कार्य नहीं हुआ है, और इवन छोटी छोटी साइन सिग्नेचर के लिए भी जनता को ढूंढना पड़ा है अंधेरे रात में कि कहाँ हमारे विधायक महोदय मिलेंगे। और ये सारी दुविधाएं इसलिए हुई है कि वो बाहरी हैं, अगर यहाँ के होते, लोकल होते, तो बड़ी आसानी पूर्वक और सहजता पूर्वक लोग उनसे मिल लेता और उनसे अपने कार्यों को करा लेता, लेकिन बाहर रहने के कारण ही ये सारी दुविधाएं आई हैं। और सारी जनता मन बना चुकी है, मूड बना चुकी है कि अब हम लोगों को बाहर का नहीं बल्कि अपने बड़हिया विधानसभा क्षेत्र के ही किसी प्रतिनिधि को चुनना है, उसका उसका अपना विधायक बनाना है। यानी लोगों ने अब मन बना लिया है कि बाहरी नहीं, अब हम जो भी जिसको भी लाएंगे वो स्थानीय होगा, लोग ऐसा चाह रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब आप चूंकि ये भी कह रहे हैं कि दल से नहीं दिल से लोगों से आप मिल रहे हैं, तो दिल से लोगों से मिल रहे हैं तो क्या लग रहा है पार्टी इस बार भड़िया के लिए मायने नहीं रखेगी? देखिए बिल्कुल सही बात है, इस बार पूरे जो हमारे मतदातागढ़ है यही कह रहे हैं, आगे हम लोगों को पार्टी से कोई लेना देना नहीं, डॉक्टर साहब चाहे जहाँ से आए, जैसे आए, जिस तरह से आए, हम लोग डॉक्टर साहब के साथ हैं और इनको वोट देंगे, इनको अपना सेवक बनाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात और है, पैसे का बहुत बड़ा खेल खेला जाता है जब चुनाव नजदीक आता है। हमने चूंकि 2015 में भी देखा, 2020 में भी देखा, कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि अचानक से आते हैं, लेकिन पैसा इतना ज्यादा खर्च करते हैं कि कहीं ना कहीं जो जनता है उनको वोट देकर चुनाव जिता देती है। और आप कह रहे हैं कि इस बार लेकिन लोगों ने मन बना लिया है, लेकिन पैसे वाले तो फिर आएंगे। देखिए आप जो बात कर रहे हैं, जहाँ सेवा का खेल नहीं होगा वहाँ पैसा का ही खेल होगा, और सेवक कोई खेल खेल नहीं रहे थे। डॉक्टर अशरफ अली 2020 में एक अच्छे सेवक हैं, और ये आए 2020 में सभी लोगों को इस बात की पता नहीं चली कि कौन डॉक्टर साहब है, कौन डॉक्टर अशरफ। अच्छा, मतलब लोगों को कमी रह गई इस बात को मतलब जानने में, या फिर आप लोगों तक नहीं पहुँच पाए जिस तरह से पहुँचना चाहिए? जी जी जी। तो अब सेवक का खेल होगा, पैसा का खेल नहीं होगा, क्योंकि पैसा का खेल खेलने वाले पहले थे, अब सेवक खेल खेलने आ रहे हैं, और जनता इस खेल में पैसा को बिल्कुल दरकिनार कर देगी, बिल्कुल नजरअंदाज करेगी। जो सेवा की भावना रखता है, जो सेवा करता है, उसके साथ रहेगी, क्योंकि पहले सिर्फ पैसे वाले लोग ही थे, अब सेवक है तो हमेशा सेवक को ही इस बात का तरजीह मिलेगा। अच्छा, जैसा अभी आप बता रहे थे कि काफी नुकसान हुआ है बड़हड़िया के लोगों का, 4 साल आप बता रहे थे कि पूरा 4 साल जो है वो समझ लीजिए बर्बाद हो चुका है लोगों का, तो आप इसके लिए क्या मानते हैं, मतलब कहाँ चूक रह गई है कि 4 साल लोगों का बर्बाद हो गया और लोग इस बात को इस बार समझेंगे? देखिए चूक वाली बात ये होती है चुनने में, हाँ भाई चुनने में बात ये होती है कि मैं आपको बता दूं कि चुनाव में अगर आपको 2 वैसे ही प्रत्याशी दिए जाए जिसमें से किसी एक को चुनना ही है तो जनता के सामने मजबूरी हो जाती है। पिछली दफा 2020 में हमारे मतदातागण के सामने मजबूरी थी कि किसको हम चुने, 2 ही थे, 2 ही पार्टी लड़ रही थी, जेडीयू अलायंस और आरजेडी अलायंस, या तो जेडीयू अलायंस को चुनना था नहीं तो आरजेडी अलायंस को चुनना था। तो अब वो बात नहीं होगी, चूंकि पिछले दफा लोग यही कह रहे थे मतदातागण की क्या करें, एक पीने वाले हैं एक पिलाने वाले हैं, इन्हीं दोनों में से किसी को चुननी है तो मजबूरी थी, और हम वो अपनी स्पर्धा लोगों के बीच में छोड़ नहीं पाए थे क्योंकि बहुत कम समय मिला था हमको चुनाव लड़ने के लिए। और इस बार तो लगातार आप घूम रहे हैं, इस बार हम सबको बता चुके हैं और अब वैसी बात नहीं आएगी कि किसको चुने, अब सबको साइड कर दिया जाएगा, अब लोग यही सोचेगा कि उसको चुने जो हमारे बीच का रहने वाला सेवक है और बाद में सेवक बन के रहेगा, विधायक बन के नहीं। एक आखिरी सवाल पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि जाति फैक्टर भी बहुत मायने रखती है चुनाव में, अंत अंत में देखा जाता है पैसे का खेल तो खेला ही जाता है लेकिन जात पात भी लोगों पे काफ़ी हावी हो जाता है, लोग फिर अपने जाति के नेता चुनने लगते हैं, भले 5 साल उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने जाति को ढूंढने लगते हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों? देखिए हम आपको फिर वही बात बता रहे हैं कि जो लोग उड़ के आएंगे वो 2 ही फैक्टर पे आएंगे, 3 फैक्टर पे आएंगे, जो भी उड़ के आएंगे यानी जो हमेशा जनता के बीच में नहीं रहेंगे, जनता का सेवा नहीं करेंगे, अगर वो उड़ के आएंगे तो 3 ही फैक्टर पे आएंगे। फैक्टर नंबर 1 उनका ये रहेगा कि हम पार्टी से हैं, और फैक्टर नंबर 2 रहेगा पैसा हमारे पास, पैसा है, पैसा बांट के वोट ले लेंगे, और फैक्टर नंबर 3 रहेगा जाति की बात, जाति की। लेकिन सेवक का कोई जाति होता है? मैं कोई भी कहीं सेवा करने वाला व्यक्ति होता है वो हर आदमी के घर जाता है, प्रत्येक घर पे जाता है और हर सुख दुख में रहता है, सेवा करता है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास सिर्फ मानवता की सेवा होती है, मेरे पास मानवता की जाती है। डॉक्टर तो सामने आने वाले हर व्यक्ति का सिर्फ रोग सुनता है, सिम्टम सुनता है, वो तो ये नहीं सुनता है कि उनका नाम क्या है, बिल्कुल सिर्फ रोग देखता है, सिम्टम देखता है और इलाज करता है, जबकि उसमें हर जाति और हर प्रथा के लोग होते हैं। तो मैं सेवक हूँ, आप जानिए, जो सेवक होगा सेवक के साथ जाति की बात
पैसे की बात नहीं आएगी और सब लोग सेवक को चुनेंगे। बिल्कुल, तो आपको बताते डॉक्टर अशरफ अली जो जात पात से ऊपर उठकर समाज की सेवा करना चाहते हैं और लगातार ये लोगों से जन आशीर्वाद यात्रा के तहत मिल रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि भैया हम आपके अपने करते हैं और ये किस दल से इनको टिकट मिलता है या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में होंगे, देखना दिलचस्प होगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।